वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स. सो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको 7 क्वेश्चन में काफ़ी पका दिया था, इफ यू रिमेंबर, है ना. अब हम लोग आज के सेशन में चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 से आगे का डिस्कशन, जेई 1997, जिस साल मैंने जेई दी थी, है ना. और ये क्वेश्चन मैं करके आया था, आपके मन में डाउट हो तो पहले ही बता दूँ, ठीक है. तो 97 में आई हैव गिवन द जेई, क्वालिफाई भी करा था. 25 ml H2O2 solution, excess of acidified solution of potassium iodide was added. The liberated iodine requires 20 ml of 0.3 normal sodium thiosulfate solution. Calculate the volume strength of H2O2. अब अगर मैं एक लाइन में सीधे शॉर्टकट सॉल्यूशन बताऊं, Me³ of H2O2 is equals to Me³ of iodine. आपसे कह चुका हूँ कि सॉल्यूशन तो मैं एक लाइन में बता सकता हूँ, बट मुझे समझाने में, अब इसमें भी मल्टीपल रिएक्शन है. एक्चुअली पहले H2O2 की KI के साथ रिएक्शन हो रही है, KI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, वो KI को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, वो जो आयोडीन लिबरेट हुई वो हाइपो के साथ रिएक्ट कर रही है. और मल्टीपल रिएक्शंस में आई हैव टोल्ड यू कि यू हैव टू बी केयरफुल विद द एम फैक्टर, और ये भी रूल बता दिया था कि अगर KI से ही I2 आ रहा है, मतलब आयोडाइड से, और उसके बाद हाइपो में भी वो आयोडाइड है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं. इसलिए एक लाइन में अगर लिखें तो नॉर्मेलिटी 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20 नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये मिली इक्वेंस हो गए. H2O2 के लिए नॉर्मलिटी m माने मल्टीप्लाइड बाय 25, ये 4, ये 5, तो नॉर्मलिटी हो गई 1.2/5. और उसके बाद बस वॉल्यूम स्टर का फॉर्मूला होता है हमारा 5.6 इंटू नॉर्मलिटी. प्रीवियस सेशन में एक क्वेश्चन आया था, तो सॉल्यूशंस काफ़ी इजी भी हैं, ऐसा नहीं है कि खूब लेंदी ही हैं, बस 1.12 इंटू 1.2 और 12 2 जा 24 कैरी ऑन 2, 12 1 जा 12 प्लस 2 14 कैरी ऑन 1, 12 1 जा 12 प्लस 1 13 1.344, दैट इज अवर आंसर. तो ऐसे एक एक लाइनों में सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर सॉल्यूशन लेंदी ही है, बस ये कि उससे पहले हमारा बेस बन चुका हो कि क्या क्या हो रहा है. तो अब हमारा वो बेस बन चुका है कि KI के साथ I2 और I2 के साथ हाइपो जब भी होगा, तो फिर अब हमें बार बार सोचने की जरूरत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. 1.2 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3 K2CO3 वाज डिसॉल्वड इन वाटर टू फॉर्म 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है. अब हमने केवल एलिक्विड जो लिया है, वो एलिक्विड मतलब स्मॉल फ्रैक्शन 20 ml का, 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 40 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कैलकुलेट वेट ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर, है ना. कार्बोनेट्स बेसिक नेचर के होते हैं, है ना, तो और HCl एसिडिक नेचर का है. तो हम लोग पहली इक्वेशन, अब मैं एक एक लाइनों के सॉल्यूशन भी बताऊं, ये तो आपके माइंड में कहीं ये ना आ जाए ना, इस सर कोई नहीं आता होगा एक लाइन में करना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना. हम कर सकते हैं, ये सीधे इक्वेशन लिखी होता. अब HCl के लिए नॉर्मलिटी ही दी गई है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम 40 ml है, इक्विलेंट्स लिखे हैं, तो इसे तुरंत चेंज करो. अगला चेंज एलिक्विड 20 का है, बट एक्चुअली डिजॉल्व 100 में हुआ था, तो ये मैं पिछले 3 सेशन से बोलते हुए आ रहा हूँ, इसको हमने 100/20 कर दिया, ठीक है. इधर आप सिंप्लीफाई करें, अगर मैं मान लूं कि Na2CO3 के मेरे पास x ग्राम है, तो x अपॉन Na2CO3 का मोलर मास 106, ये हो गए उसके मोल्स, और बाइकार्बोनेट का n फैक्टर बताया था 1, क्योंकि उसके ऊपर HCO3 माइनस के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, वो एक ही H+ ले सकता है. कार्बोनेट का n फैक्टर 2, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट का है. आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो, बट अब नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि पिछले 23 क्वेश्चन में मैं आपको काफी चीजें, काफी बेस में आपको बना चुका हूँ. तो अगर इसका x ग्राम, तो K2CO3 का 1.2 माइनस x, मोलर मास ऑफ K2CO3 इज 138, और उसका भी n फैक्टर 2, बस ये x में एक इक्वेशन है, वही आपका आंसर होगा. सॉल्व कर दे, ये 53, ये 69, ठीक है ना, तो 69 इधर गया बेटा, 69x, 53 इधर गया, 53 का डबल कितना 106, कैरी ऑन 10, 53 प्लस
10, 63.6 minus 53x. इधर जितना सिंपलीफाई हो सके पहले कर ले, ये 2, ठीक है, और ये आपका 2 हो गया, ये 0.1 से ये गया 0.02. अब इस 0.02 में एक मल्टीप्लिकेशन 53 का होगा, एक मल्टीप्लिकेशन 69 का होगा, 53 का डबल तो 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 69, ठीक है, 69x में से 53x गया, 16x इक्वल्स टू 1.09 इंटू 69 में से 63.6 माइनस, ये कैलकुलेशन अब मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ आपके लिए, 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 69 माइनस 63.6, 9.54 आ रहा है, तो x की वैल्यू आपकी 9.54 बाय 16, मतलब 16 5 है ना, अप्रॉक्सीमेटली तो 0.6 ही ले सकते हो आप इसे, 9.54 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे 0.59625 अप्रॉक्स 0.6 ले लिया, मतलब आधा Na2CO3 और आधा ही K2CO3 है, ठीक है। अब कह रहा है अनदर 20 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ BaCl2, व्हाट विल बी द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना। इसमें आप चाहो तो बेटा आप ना सीधे लिख लो अपनी इक्वेशन, वेट ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, एक्चुअली कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद किसके साथ, Ba+2, आप चाहें तो पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत भी नहीं है, कि आप Na2CO3 की रिएक्शन BaCl2 के साथ लिखें, ठीक है ना, आप K2CO3 की रिएक्शन BaCl2 के साथ लिखें, जो एक्चुअल प्रेसिपिटेट बन रहा है वो कार्बोनेट और बेरियम का ही बन रहा है, तो हमारे इम्पोर्टेंट के लिए ही। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, आपको दोनों के क्या पता पड़ चुके हैं, मास, दोनों के मास से आपको दोनों के क्या पता करेंगे, मोल्स, ठीक है, तो कार्बोनेट के कितने, K2CO3 के कितने मोल्स, 0.6 अपॉन कितना, 106, और दूसरे वाले के भी 0.6 अपॉन 138, तो Na2CO3 के मोल्स हुए 0.6 अपॉन 106, जितने मोल्स Na2CO3 के उतने ही मोल्स कार्बोनेट के, तो ये पहले वाले से इसका 0.6 है तो दूसरे वाले का भी 0.6, तो K2CO3 के मोल्स 0.6 अपॉन 138, तो कार्बोनेट के भी इतने ही मोल्स, ये टोटल मोल्स हो गए कार्बोनेट के आपके पास, ठीक है ना, बट ये जो टोटल मोल्स है ये प्रेजेंट है कितने ml के अंदर, 100 ml, बट उसने बोला है कि कितने का रिएक्शन कराना है, 20 का, ठीक है ना, तो अब इसमें उल्टा होगा भैया, इसको 1/5 करना पड़ेगा, ठीक है, इतने टोटल मोल्स कार्बोनेट के हो जाएंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, और जितने मोल्स कार्बोनेट के उतने ही मोल्स आपके BaCO3 के, और यही मोल्स जो भी है आपका, क्योंकि 1:1 का रेशो है, बस इसको BaCO3 का मोलर मास, बेरियम का 137, कार्बोनेट का 60, तो 197, अब ये बस इतनी सी कैलकुलेशन में आपके पास छोड़ रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द वेट ऑफ प्रेसिपिटेट ना। और रुड़की के क्वेश्चन में वैसे भी रिलेटिवली कैलकुलेशन थोड़ी सी वो लेंदी करता था पुराने टाइम, है ना, क्योंकि टाइम भी मिलता था बेटा, अब हमने 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट वो आराम से आपको लगभग एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट का समय देता था, 10 मिनट का पूरा पूरा समय, तो वो फिर वो आपसे कैलकुलेशन भी करवाएगा थोड़ी बहुत।